वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं लेके आ चुका हूँ रियलमी नार्जो 20 है, जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो गाइस, इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ अनबॉक्सिंग की। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के बटन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचने के लिए। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अभी हम जो है इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट में मिलता है मे बी, यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल मिलेगा। तो इसको साइड में रखते हैं और बाद में देखते हैं और बॉक्स के अंदर देखते हैं। और यहाँ पे कुछ मिलता है आपको यूजुअल मैनुअल, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे है फ़ोन, तो इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक नॉर्मल पावर एडाप्टर, जो कि नॉर्मल सी चार्जिंग प्रोवाइड करेगा आपको। इतना फास्ट नहीं है, मतलब देर से ढाई घंटा आपको लग जाए, दो घंटा लग जाएगा फुल चार्ज होने में। और यहाँ पे एक मिलता है आपको USB टाइप केबल, तो इसको भी साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। और कुछ भी नहीं है बॉक्स के अंदर, और हम इसे अब साइड में रखते हैं और फ़ोन को देखते हैं। ठीक है, फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं तब तक। तो हम इस फ़ोन को कवर से ढका हुआ है, तो इसको भी हम इसको इस तरह से यहाँ से ओपन करते हैं और निकाल देते हैं कवर को। और गाइस, देख सकते हो तो काफ़ी तगड़ा फ़ोन है ये, बहुत अच्छा है। इसका 4GB रैम है और 64GB रोम है। और गाइस, इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी बेहतरीन है, फुल HD नहीं है लेकिन HD+ डिस्प्ले है। और गाइस, इसका जो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, इसको आपको प्रोसेसर मिल रहा है गाइस, स्नैपड्रैगन 665 की प्रोसेसर मिल रहा है गाइस। ठीक है, और जो बैटरी बैकअप है काफ़ी बेहतर है, 5000 की बैटरी आपको मिल रहा है। और ये जो कवर है, इसके अंदर आपको सिम इजेक्टर टूल मिल रहा है। ठीक है, और गाइस, इसका जो कैमरा है आपको रियल कैमरा मिल रहा है 12 MP की, और आपको 2 MP करके दो आपको सेंसर यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, और फ़ोन की बात करो तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाइट वेट है। ठीक है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। और फ़ोन को नीचे आपको मिल रहा है स्पीकर और चार्जिंग केबल और यहाँ पे 3.5 mm की जैक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ती है फ़ोन को, तब तक सेटअप होने देती है और देखते हैं फ़ोन कैसा है, उसका जो कैमरा है कैमरा कैसा है। ठीक है, सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और फ़ोन जो है काफ़ी तगड़ा फ़ोन है गाइस। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कैमरा। ठीक है, तो हम कैमरा को ओपन कर लेते और देखते हैं कैमरा क्वालिटी कैसा है। तो यहाँ पे कुछ सैमसंग सर्विस है, इसको हम ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, कैमरा जो काफ़ी तगड़ा कैमरा है, काफ़ी अच्छा पिक्चर आ रहा है। और फ़ोन भी बहुत ही बढ़िया है, फ़ोन में आपको 8 MP की कैमरा मिल रहा है। तो और जो फ़ोटो जो खींचा, हम इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। ठीक है, जूम इन करके देखते हैं गाइस, तो देख सकते हो आप काफ़ी तगड़ा पिक्चर आया है। तो गाइस, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये फ़ोन ले सकते हो। और गाइस, ये जो फ़ोन है ये गेमिंग के लिए भी। आप फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में बात करो तो 665 स्नैपड्रैगन के आपको प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि आप काफ़ी अच्छे से गेमिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। और गाइस, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि गेमिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, पबजी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर लेके आऊँगा पबजी की गेमिंग के ऊपर। तो गाइस, मिलती है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।